चुनाव प्रक्रिया के चलते आज करनाल में अंतिम दिन नामांकन प्रक्रिया की गतिविधियां चलती रही। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर एवं भाजपा उम्मीदवार के सामने जननायक जनता पार्टी द्वारा देश की सेवा कर चुके पूर्व सैनिक तेज बहादुर को खड़ा किया गया है। तेज बहादुर पार्टी के पदाधिकारियों के साथ लघु सचिवालय में नामांकन पत्र दाखिल करने पहुंचे। यहां पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वह हरियाणा के निवासी हैं और चुनाव आयोग द्वारा उनको चुनाव लड़ने की इजाजत दी जा चुकी है, जिसके चलते आज नामांकन पत्र भरने आए हैं और उनका मुकाबला सीधा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मनोहर लाल खट्टर से है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा कोई भी विकास का कार्य नहीं किया गया है, उद्योग धंधे प्रदेश को छोड़कर बाहर जा रहे हैं, बेरोजगार दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान वह पुलवामा में हुए हमले के बारे में भारतीय जनता पार्टी से सवाल करेंगे कि इसकी अब तक जांच क्यों नहीं हुई है और जो जवान पुलवामा हमले में मारे गए हैं उनको शहीद का दर्जा क्यों नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि फौज में नौकरी के दौरान उन्होंने सैनिकों को दिए जाने वाले खाने पर सवाल उठाए थे, जिसकी अभी तक कोई जांच नहीं की गई है। अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई है, परंतु उसके खिलाफ सरकार के द्वारा कार्यवाही की गई। उन्होंने मांग की है कि उन अधिकारियों के साथ भी कार्यवाही हो, लेकिन सेना पर जो जवान सेवा कर रहे हैं उनके साथ दोगला व्यवहार किया जा रहा है। इस मौके पर उनके साथ जननायक जनता पार्टी के नेता मोहिनीश चौधरी, युवा नेता अमनदीप सिंह चावला, यशकरण राणा के अलावा बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। तेज बहादुर जी आज करनाल पहुंचे हैं, तो नॉमिनेशन करेंगे, क्या कहना चाहिए? जय हिंद, जय जवान, जय किसान। सबसे पहले तो मैं करनाल की धरती को प्रणाम करता हूं और करनाल के अपने जितने भी साथी हैं उनको सभी को आशीर्वाद मांग के आज जो है साथ में नामांकन प्रक्रिया शुरू की है। जिस प्रकार से 5 साल के अंदर बीजेपी सरकार ने पूरे हरियाणा प्रदेश को जो इन्होंने वादा किया था उस पर कोई काम नहीं किया, सिर्फ झूठे वादे और जुमले किए। तो जो भी करनाल की समस्याएं हैं, हम प्रतिज्ञा फौजी आदमी हैं और फौजी आदमी जो प्रतिज्ञा लेते हैं उसको पूर्ण करते हैं। अगर भी हमारी सरकार बनती है तो हम करनाल का विकास करके दिखाएं। इन्होंने तो सिर्फ नारा दिया है, आज करनाल की हालात देखिए, जितने उद्योग धंधे हैं सब चौपट हो गए हैं, सब युवा जो हैं वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, रोजगार नहीं है, सड़कों की हालात देख लीजिए आप करनाल में। 5 साल के अंदर जो मैंने देखा है खट्टर साहब ने करनाल में कहीं एक ईंट भी नहीं लगाया। तो हम करनाल के लिए जो हमारे पार्टी के मैनिफेस्टो में है वो पूर्ण रूप से जो हम सभी विषयों पर काम करें। तो आपके लिए यहाँ पर नया क्षेत्र है, नई चुनौती है, तो क्या आप करनाल वालों को कहेंगे कि किस उसमें क्या खूबी आप में जो वोट देंगे आप? देखो, फौजी आदमी कभी झूठ नहीं बोलते और करनाल वासी अच्छे से जानते हैं, हरियाणा प्रदेश के तो बहुत फौजी हैं तो सब पहचानते और वोट हमें देंगे, हमें पता है। और विकास के नाम पे बीजेपी ने जो ठगा है, 15 लाख का जुमला फेंका विकास का, 4 करोड़ नौकरियाँ देगी, तो लोग अपने आप त्रस्त हैं। और लोगों ने खुद कहा कि पहले कह रहे थे लोग बाकी जी कोई है नहीं दूसरा कैंडिडेट, अब कह रहे हैं कि फौजी आए मैदान में तो हम फौजी के साथ। कहते फौजी ईमानदार होता है, पर आपने दाल में कुछ सवाल भी उठाए थे, तो वही ईमानदारी का ही है। उसके आप जब मैंने वीडियो बनाया, मोदी जी कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और एक जवान ने जब भ्रष्टाचार उजागर किया उसको नौकरी से बर्खास्त कर दिया, 21 साल की नौकरी से बर्खास्त, किसी अधिकारी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। इसी दौरान एक लड़का था मेरा, उसका भी डेथ हो गया पीछे जनवरी के अंदर। इन्होंने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया, लेकिन भ्रष्टाचारियों के ऊपर क्या किया मैं ये सवाल पूछता हूँ बार बार, कोई जवाब नहीं। पीछे जिस प्रकार से पिछले चुनाव में आपने देखा, मैं पुलवामा हमले पर भी आपके माध्यम से यहीं से भी सवाल पूछूंगा कि पुलवामा हमले की आपने आज तक जाँच क्यों नहीं कराई। तेज बहादुर फौजी बार बार ये सवाल पूछता है कि पुलवामा हमले कहीं आप उसमें शामिल तो नहीं है सीधे तौर पर सरकार। मुझे शक है कि चुनाव के लिए आप जवानों को मरवा भी सकते हो, आज तक उसकी जांच नहीं हुई। और ये शहीद कहते हैं, पैरामिलिट्री को शहीद का दर्जा तक नहीं दिया आपने, और आप शहीद कहते हैं, उनका अपमान करते हैं। ये तमाम मुद्दे जो है चुनाव के अंदर भी मैं लेता रहूँगा, जब तक ये उन पुलवामा हमले की जाँच नहीं करेंगे हमारे जितने भी सैनिक भाई इसको बर्दाश्त। हम JJB पार्टी से नामांकन कर रहे हैं। जीत की कितनी उम्मीद रखते हैं आप? जीत की पूरी पूरी उम्मीद है, जो आपको 100% क्या 101% है। विपक्षियों द्वारा प्रचार किया जा रहा है आप सेना से भगोड़े हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा चंडीगढ़ हाई कोर्ट में केस चल रहा है और बहुत जल्द उसका भी फैसला हो जाएगा। विपक्ष तो ये भी प्रचार कर रहा था कि उसको चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा, इलेक्शन कमीशन ने मुझे क्लीन चिट दी है, इलेक्शन कमीशन भारत सरकार दिल्ली ने मुझे क्लीन चिट दिया कि आप चुनाव लड़ सकते हो। तो विपक्ष का काम है, वो चिल्लाता रहेगा, वो तो उनका काम यही है झूठ बोलना।
हम जो तीन दिन में देखा, तीन दिन हो गए फौजी साहब को आए हुए, तीन दिन से देख रहे हैं कि जितने हमें उम्मीद थी उससे भी ज़्यादा लोग हमारे साथ समर्थन में हैं कि आप चुनाव लड़िए। हम चाहते हैं कि खट्टर साहब को यहाँ से बाहर भगाने का काम करें। देखिए, फौजी तो कभी भी बाहर का नहीं हुआ, आप अच्छे से जानते हैं। और खट्टर साहब तो पिछली बार इनके बीजेपी वालों ने खुद इनके पोस्टर लगाए, गो बैक के नारे लगाए, और फौजी तो हमारे देश की रक्षा करने वाले हैं। और अच्छे से जानते हैं सभी कि फौजी जिस चीज़ पर अड़ गया, जिस चीज़ पर डट गया, ना तो कभी वहाँ से पीछे हटे, ना ही पीछे मुँह दिखाने का काम किया। मुकाबला तो हम समझते ही नहीं। जब से फौजी साहब यहाँ पे आए, हम खुद चाहते थे कि फौजी साहब यहाँ से आए। जब फौजी साहब से संपर्क हुआ तो बहुत अच्छा लगा। फौजी साहब ने हमें बताया कि दुष्यंत चौटाला जी की छवि को देखते हुए जो ताऊ देवीलाल जी के विचार हैं, वो फिर एक बार दुष्यंत चौटाला जी के माध्यम से हमें मिले हैं। और इन्होंने जेजेपी पार्टी में आस्था जताई और जेजेपी पार्टी एकजुट होकर इनके साथ मुकाबला करने को तैयार है। लेकिन जब जनता में उतरे तो हमें मुकाबला ही नज़र नहीं आता। सभी व्यापारी कहते हैं शायद हम एक तरफ बोल नहीं पाते, लेकिन 21 तारीख को जो हमें लगता है कि हमारा मुकाबला ही नहीं होगा, करनाल में सबसे बड़ी जीत तेज बहादुर जी की होगी। हाँ जी, राष्ट्रीय पार्टियां छोड़कर आपने जननायक जनता पार्टी क्यों चुनी? देखिए भाई साहब ने आपको पूरा बता ही दिया। देवीलाल जी जो थे उनको पूरा हिंदुस्तान जानता है। उन्होंने कितने राज्यों में सरकार बनाई, प्रधानमंत्री तक गए, किसान और जवान के हितैषी कोई नेता थे ताऊ देवीलाल थे। और उन्हीं की छवि के दुष्यंत चौटाला जी हैं, सेम उन्हीं के विचारों पर, उन्हीं के उस पर चल रहे हैं। इसलिए सभी चीज़ों को देखते हुए हमने जेजेपी विचारों पर जो लड़ रही है, और हम भी यही भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, विचारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए हमने जेजेपी को ज्वाइन किया। आज हमारे लिए तो बड़ी खुशी की बात है कि देश का एक बहादुर जवान हमारी पार्टी से यहाँ पे प्रत्याशी है। और जिस तरह से साजिश के तहत माननीय नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ इन्होंने चुनाव भी लड़ा था, इनका साजिश के तहत वहाँ पे नॉमिनेशन कैंसिल करा दिया था, लेकिन आज हम पूरी तैयारी के साथ में यहाँ पे नॉमिनेशन करने के लिए आए हुए हैं। बिल्कुल मुख्यमंत्री के सामने मुकाबला है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने 5 साल पहले बड़े बड़े वादे किए थे हम लोगों के बीच में आकर के, बताते थे कि करोड़ों रोजगार देंगे, नौकरियां देंगे, सड़कें बनवाएंगे, बिजली देंगे। और आज अपने करनाल की हालात आज ये देख लीजिएगा, ये लॉ एंड ऑर्डर की बात करते थे, बड़े बड़े दावे करते थे क्राइम को ख़त्म करने की। आज आपको तो पता ही है कि यहाँ पे डेली 1 या 2 मर्डर होते हैं, आप सभी लोग जानते हैं कहाँ कहाँ का जो है ना लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति होगी। देखिए, जो आज जवान की लड़ाई लड़ रही है इस पूरे हिंदुस्तान में और प्रदेश में, वो मात्र और मात्र जननायक जनता पार्टी है, भाई दुष्यंत चौटाला है, जो किसान की बात करता है, जवान की बात करता है, मजदूर की बात करता है। हम यहाँ तेज बहादुर का फार्म भरवाने आए हैं अपने साथियों के साथ। आप देखिएगा, हमारा सीधा और सीधा मुकाबला बीजेपी के साथ होगा। खट्टर वर्सेस तेज बहादुर का मुकाबला इस प्रदेश में और करनाल कंस्टिट्यूएंसी में होने वाला है। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।